हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ एट योर होम एंड डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली एंड प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस चैप्टर 7 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर 8 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। लेसन के सेकंड टर्म के जो सिलेबस है, दिसंबर एग्जाम का जो सिलेबस है, उसमें जो लेसन इंक्लूड किए गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हिंदी। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ दिए गए हैं एक साइड के ऑप्शन को दूसरी साइड के ऑप्शन से हमने मैच करना है। विलियम जोन्स क्या थे? रिस्पेक्ट करते थे एंशियंट कल्चर, जो हमारी इंडिया की पुरानी जो संस्कृति थी उसकी रिस्पेक्ट करते थे। ये हमें वीडियो, अगर आप लेसन को समझना चाहते हैं दोबारा से या रीडिंग करना चाहते हैं तो इसकी जो वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ उसको सुन लेना। रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये लेसन के अंदर सारा डिटेल से समझाया गया है। लर्निंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक पर्यावरण में बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, जो उसके द्वारा फिर जो शांति निकेतन बनाया गया था। थॉमस मैकाले थे जो ब्रिटिशर थे। प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, वो किसको बढ़ा देना चाहते थे भारत के अंदर? इंग्लिश एजुकेशन को। महात्मा गांधी, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, किसका विरोध करते थे महात्मा गांधी? ब्रिटिश जो इंग्लिश एजुकेशन थी उसका। तो पाठशाला के अंदर क्या होते हैं? गुरु होते हैं। तो ये था एक दूसरे ऑप्शन का मैच। सेकेंड है हमारा ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स हमें बताना है, जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। जेम्स मिल के बारे में हमने लेसन के अंदर रीड किया था। सर्वे क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, क्या आप ओरिएंटलिस्ट के क्रिटिक करते थे, आलोचना करते थे? ये सच है कि वो प्राच्यवादियों की बुराई करते थे। नेक्स्ट, 1854 में डिस्पैच ऑफ एजुकेशन, एक एजुकेशन शिक्षा का डिस्पैच बनाया गया था इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, की जो डिस्पैच बनाया गया था, वुड डिस्पैच जिसको बोलते हैं, उसमें क्या फेवर दिया गया था कि भारत के अंदर जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसमें इंग्लिश मीडियम को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये ट्रू है। महात्मा गांधी थॉट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, ये गांधी जी के द्वारा नहीं दिया गया था। गांधी जी किस पर फोर्स करते थे? हैंडीक्राफ्ट पर। तो इसलिए वो नहीं कहते थे कि पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, बल्कि वो हैंडीक्राफ्ट पर ज्यादा, ये फॉल्स है। रविंद्रनाथ टैगोर जी फेड द चिल्ड्रन ऑट टू बी सब्जेक्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नहीं, वो सिर्फ कहते थे नेचर के खुले एनवायरनमेंट में पढ़ाने के लिए कहते थे, ये चिल्ड्रन को कभी भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहने के लिए नहीं कहते थे। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी एंड लॉ, क्यों विलियम जोन्स के द्वारा भारत की जो हिस्ट्री थी, फिलोसफी थी और लॉ थे, उनकी स्टडी करने की नीड क्यों मानते थे? विलियम जोन्स फेल्ट द नीड टू स्टडी, क्यों आवश्यकता मानते थे इंडियन हिस्ट्री की, फिलोसफी की और लॉ की? एज दैट एज दिस विल नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश, यह न केवल मदद करेगा ब्रिटिशर की, अंग्रेजों की, लर्न फॉर इंडियन कल्चर, किसकी जानकारी लेने में, भारत की जो संस्कृति है उसको जानने में, बट इट वुड ऑल्सो हेल्प, और ये आप मदद करेगा इंडियन टू रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज, यानी कि भारतीयों की जो अपनी खुद की हेरिटेज है, महिमा है, सम्मान है, उसको दोबारा उनको अवगत कराने में, एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज, और उनको समझ पाने में कि जो अपनी जो ग्लोरी है, जो सम्मान, ग्लोरी टाइम पीरियड था वो खो चुके हैं पास्ट के अंदर। क्योंकि क्यों खो चुके हैं? क्योंकि कभी किसी ने रूल किया, कभी मुगलों ने रूल किया, कभी ब्रिटिश ने रूल किया, तो हमारा जो पुराना गोल्ड का टाइम था, ग्लोरी था, अच्छा टाइम था, वो हम खो चुके थे। दिस वुड एस्टेब्लिश द ब्रिटिश एज ए गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड गेन टोटल कंट्रोल, तो वह टोटल कंट्रोल करने के लिए, भारत के लोगों पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए भारत के कल्चर के बारे में जानना जरूरी मानते थे। कौन जरूरी मानते थे? विलियम जोन्स मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है, व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकाले थिंक द यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया, जो जेम्स मिल थे और थॉमस मैकाले थे, ये भारत के अंदर यूरोपियन एजुकेशन को क्यों जरूरी मानते थे, क्यों ऐसा मानते थे कि भारत में यूरोपियन एजुकेशन लाना जरूरी है? तो इसको हम समझते हैं। जेम्स मिल एंड थॉमस मैकाले थॉट दैट यूरोपियन एजुकेशन वुड एनेबल इंडियन टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मेक देम सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेवलपिंग द सोर्सेज ऑफ द कंट्री। थॉमस मैकाले और मिल का क्या सोचना था कि जो यूरोपियन एजुकेशन है वो अगर भारतीयों को दी जाएगी तो भारतीयों को
उन विशेषताओं के बारे में पता चलेगा जो व्यापार और वाणिज्य के लिए जरूरी होती हैं। तो अगर उनको हम यूरोपियन एजुकेशन देंगे तो वो व्यापार और वाणिज्य के बारे में अच्छी बातें सीख पाएंगे और अपने देश के जो रिसोर्सेज हैं उनके विकास के लिए वो इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। मैकाले फेल्ट, मैकाले क्या महसूस करता है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो ब्रिटिश नॉलेज है उसके बारे में जानना जरूरी है। अलाउ इंडियंस, अनुमति दी जाती थी भारतीयों को टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर, क्योंकि वो अपनी जो उनका अपना साहित्य था उसकी चाहते थे कि उनके साहित्य के बारे में भारतीयों को पढ़ाया जाए, वर्ल्ड हेड प्रोड्यूस, ताकि वो पूरे संसार के अंदर अपने साहित्य को फैला सकें। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट, इसलिए वो किसके अपने देश की संस्कृति को और डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी, अपनी फिलोसफी को और अपनी विज्ञान को और ज़्यादा फैलाना चाहते थे, इसलिए वो भारतीयों को इंग्लिश एजुकेशन में शिक्षा देने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स, क्यों गांधी जी चाहते थे बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, हस्तकला के बारे में सिखाया जाए। महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट बिकॉज दैट वुड डेवलप देयर माइंड्स, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि बच्चों के अपने खुद के दिमाग से ही कुछ विकास किया जाए, देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, उनकी जो समझने की शक्ति है वो बढ़ाई जाए। दिस वुड बी आल्सो एनेबल देम टू नो हाउ डिफरेंट थिंग अप्रोप्रिएट, और यह बताने की कोशिश की जाए या बच्चा यह सीख सके कि किसी वस्तु को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, उसको कैसे चलाया जा सकता है। दिस वुड हेल्प देम टू हैव लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, इसलिए वो चाहते थे कि जो एक्सपीरियंस है अनुभव वो खुद का हो बच्चे का, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बच्चे को मिलनी चाहिए, इसलिए वो हमेशा हैंडीक्राफ्ट को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। महात्मा गांधी थिंक द इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड इंडियन, अब गांधी जी क्यों आलोचना करते थे, क्यों बुराई करते थे, किसकी, इंग्लिश एजुकेशन की, क्योंकि वो मानते थे, गांधी जी मानते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो भारतीयों को अपना दास बना लेगा, क्या बना लेगा, दास बना लेगा, इसलिए वो क्यों बुराई करते थे। इंग्लिश एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, क्योंकि जो ब्रिटिशर की जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी मानते थे क्रिएटिव सेंस ऑफ द इन्फीरियरिटी इन माइंड्स ऑफ द इंडियंस, क्योंकि वो भारतीयों के दिमाग में इन्फीरियरिटी, अपने कम हीनता जगाना चाहते हैं, यानी कि गांधी जी मानते थे कि अगर हम यूरोपियन एजुकेशन को पढ़ेंगे तो भारतीयों के अंदर क्या आएगा कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो कल्चर है वो अच्छी नहीं है, बल्कि किसकी अच्छी मानेंगे, वो ब्रिटिश से अगर कल्चर के बारे में ब्रिटिश एजुकेशन को पढ़ेंगे तो उन्हीं की अच्छी मानेंगे। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड सुपीरियर, और वो किसकी सभ्यता को सुपीरियर मानना शुरू कर देंगे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो अंग्रेजों की सभ्यता है उसको अच्छा मानना शुरू कर देंगे, क्यों, क्योंकि उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे तो उन्हीं की सभ्यता को अच्छा मानेंगे और भारतीय सभ्यता को तो जानेंगे ही नहीं बिना पढ़े। डिस्ट्रॉय देयर प्राइड इन देयर ओन कल्चर, यानी कि इस तरह से हमारे ही सम्मान को, हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कौन, ब्रिटिश, किसके द्वारा, यूरोपियन एजुकेशन के द्वारा। थस चार्म्ड बाय द वेस्ट, जो चमक धमक है वेस्ट साइड की, पश्चिमी सभ्यता की, एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, जो हर चीज है वो वेस्ट के यहाँ आनी अगर शुरू हो गई, इंडियन एजुकेटेड अंडर द कॉलोनियल सिस्टम वुड एंड अप बीइंग द एडमायर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस प्रकार जो भारतीय की एजुकेशन अगर वहां से मिल गई, जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था है उसके साथ साथ जो ब्रिटिश रूल है भारत के अंदर, तो धीरे धीरे वो अपनी सारी सभ्यता का प्रभाव इन भारतीयों पर शुरू हो जाएगा। इस प्रकार विलिंगली फॉरगेटिंग देयर एनसेलवमेंट्स एंड द एनसेलविंग देमसेल्फ फर्दर, यानी कि आगे भविष्य में हम धीरे धीरे उनके क्या बनते चले जाएंगे, दास बनते चले जाएंगे। तो ये था महात्मा गांधी के द्वारा इंग्लिश की जो एजुकेशन थी उसके खिलाफ या उसकी बुराई करना। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा 7th चैप्टर, वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है और अपना जो सेकेंड टर्म SA2 एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है। ओके, थैंक यू।